बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 29 है हमारा, क्लास 8 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं पॉलीनोमियल्स। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे, शुरू के 3 पार्ट हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, उसका पार्ट 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 3, a की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 3 है, a की जगह पे हम पहले 3 पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता था स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन लिखकर सवाल हम उतार लेते थे। सॉल्यूशन हमने लिख लिया है, हम पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, वैल्यूज हम पुट करेंगे a की जगह पे 3 प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे a की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट का हमें इस्तेमाल यहाँ करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर्स जब डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका आएगा 3 का टेबल 3 तक मैं पढ़ूंगा, 3 ज़ा एलसीएम किस तरह से लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ गया 3। अब नीचे यहाँ पे नंबर कोई मौजूद नहीं है तो डायरेक्ट ये 3 कम्प्लीट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ज़ा 9 प्लस ऑफ 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगा कि 3 आ जाए 1 टाइम्स, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 9 प्लस 1 अपॉन 3। आगे देखेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 9 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनी, 9 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 9। अब आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 9 में 1 प्लस करूँगा 10, 10 अपॉन 3। आगे चलते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो नीचे यहाँ पे 9 है, तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट जब हो तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 9 एलसीएम आ गया, 9 डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 ज़ा 9 प्लस ऑफ 9 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ूंगा तो 9 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, 1 1 ज़ा 1, इनको ऐड कर लीजिए, 10 अपॉन 3 अपनी जगह पे रहा, 81 में 9 प्लस करूंगा 90, 90 में 1 प्लस करूंगा 90, 1 अपॉन 9। अब आप देखें, अगर तो ये क्रॉस रिड्यूस हो रहे हो, एक ही टेबल में अगर आ रहे हो तो उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, अगर इस तरह ना हो तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को देख लें आपस में कि ये दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी ना ये क्रॉस रिड्यूस हो रहे हैं, ना ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से रिड्यूस हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 10 ज़ा, या यूँ पढ़ लें 91 1 ज़ा 91, 0 अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, 3 9 ज़ा 27, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, 910 अपॉन 27। इजी क्वेश्चन था, इस तरह के पहले भी आप लोग सवाल कर चुके हैं, शुरू के जो 3 पार्ट हमने करे हैं वो इसी तरह के थे। पार्ट 5 आप देख रहे होंगे, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दोनों आपस में ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमें आपस कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं,
व्हेन ए की वैल्यू हमारे पास माइनस टू है, बी की वैल्यू हमारे पास जीरो है एंड सी की वैल्यू हमारे पास टू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखकर हम जो सवाल होता है हम वो उतार लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहला काम हमारा, हम सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन कंप्लीट उतार लेंगे, जो भी सवाल हमारा दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कंप्लीट सवाल हमने उतार लिया। उसके बाद वैल्यूज हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास माइनस टू, तो हम लिख लेंगे माइनस टू प्लस ऑफ, बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवेन है जीरो प्लस, सी की वैल्यू हमारे पास गिवेन है टू, तो हम टू लिख लेंगे। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ऑफ बी का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस ए हमारे पास क्या है माइनस का टू, बी क्या है हमारे पास जीरो माइनस, बी हमारे पास क्या है जीरो, सी हमारे पास क्या है टू माइनस, सी हमारे पास है टू, इसी तरह से ए हमारे पास गिवन है माइनस टू, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए माइनस टू, ये ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस टू प्लस टू कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गया। यहां पे देखें टू माइनस टू दो दफा मल्टीप्लाई करें आप, माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं है, टू टू जो फोर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है फोर प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस माइनस प्लस टू जीरो जा जीरो माइनस जीरो टू जा जीरो माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप हमारा ये है, जीरो अपनी जगह पे रहा, फोर को ऐड कर लीजिए फोर में, एट एट में फोर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ट्वेल्व आएगा। जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर रिजल्ट हमारा क्या आता है जीरो। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट हमारा फाइव भी कंप्लीट हो गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और फर्दर सॉल्व इसको करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर है सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन नंबर फोर जो हमारे पास दिया हुआ है वो सिंप्लीफाई का है, आप बुक में देख लीजिए, फोर आप जैसे ही लिखेंगे तो आप पहले सिंप्लीफाई लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है और फिर मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। एक्स प्लस वाई पार्ट वन, एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री माइनस वाई प्लस जेड अपॉन टू प्लस ऑफ फोर एक्स माइनस जेड अपॉन फाइव। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स आप देख रहे होंगे डिफरेंट हैं, थ्री टू एंड फाइव, तो हम सबसे पहला काम क्या करें कि हम एलसीएम ले लेते हैं, जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो थ्री टू एंड फाइव का हम एलसीएम लेंगे, सबसे पहले रफ कॉलम में ये रफ वर्क बन गया हमारा, थ्री टू एंड फाइव, टू का टेबल वन तक पढ़ूंगा टू आएगा, फाइव नी जगह पर, थ्री का टेबल वन तक पढ़ूंगा थ्री आ जाएगा, फाइव का टेबल वन तक पढ़ूंगा फाइव भी आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आया, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव, टू जा सिक्स सिक्स फाइव जा थर्टी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 30 एलसीएम आ गया है। तो हम सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले अपना जो सवाल हमारे पास गिवन होता है वो हम कंप्लीट उतार लेते हैं।
एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री माइनस वाई प्लस जेड अपॉन टू प्लस फोर एक्स माइनस जेड अपॉन फाइव। एलसीएम हमारा क्या आया? हमारा एलसीएम आ गया था 30। थ्री का टेबल मैं कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 30 आ जाए, बताइए स्टूडेंट्स। 10 टाइम्स। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? इस कंप्लीट को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। टू का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 30 आ जाए? 15 टाइम्स। गुड, 15 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस कंप्लीट को। फाइव का टेबल कितने टाइम्स पढ़ूँ कि 30 आ जाए, बताइए बेटा स्टूडेंट जल्दी से। 6 टाइम। तो इसको कंप्लीट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम यूँ लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 को x प्लस y के साथ माइनस 15 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं y प्लस z के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4x माइनस z के साथ। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर स्टेप हमारा क्या होगा? 10x प्लस ऑफ 10y से मल्टीप्लाई होगा तो 10y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 15y से मल्टीप्लाई होगा तो 15y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15z से मल्टीप्लाई होगा तो 15z हो जाएगा, प्लस 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 6 4 24x प्लस माइनस माइनस 6z अपॉन 30 अपनी जगह पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, 10x प्लस 10y माइनस 15y माइनस 15z प्लस 24x माइनस 6z। अब हम फर्दर स्टेप क्या होगा हमारा? लाइक टर्म को हम एक जगह कर लेते हैं ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। 10x अपनी जगह पे रहा, x के साथ x वाली चीज़ हमने उतार ली, प्लस ऑफ 24x प्लस 10y y के साथ y वाली चीज़ हमने उतार ली, माइनस 15y z के साथ z वाली, माइनस 15z माइनस 6z अपॉन में हमारे पास 30 आ रहा है। ऐड कर लीजिए, 10 में 24 को ऐड करूँगा 34x, माइनस 15 में से 10 माइनस करेंगे 5y, माइनस 5y आएगा क्योंकि 15 बड़ा है 10 से, 15 की साइन माइनस है, हर नंबर हर एक्सप्रेशन हर टर्म की साइन उससे पहले होती है, 15 की साइन माइनस है तो माइनस हम लिख लेंगे, माइनस 5y माइनस 15z माइनस 6z इनको हम ऐड कर लेंगे, माइनस 21z अपॉन हमारे पास 30 आ जाएगा। 34x प्लस माइनस 5y माइनस 21z अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकेगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म होते तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन लाइक टर्म नहीं है तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन मैंने आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने क्लियर कर दिया है इसको और ये हमारा रिजल्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, डायरी में लिख रहा हूँ, डायरी आप नोट कर लीजिए, डायरी आपकी क्या होगी? होमवर्क आपका है, डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट एंड 4 का पार्ट 1। ये आप रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें इन क्वेश्चंस को ताकि आप इस पे अबूर हासिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई हो
तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।